हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉयिंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव। सो इस टॉपिक में पर्टिकुलर हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, बट डिफरेंट मोशंस के बारे में, पर्टिकुलर रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसलेशन मोशन, मतलब कि एक हमारे पास एक ब्लॉक है विच इज सिंपली वी पुट इट ऑन वन इंक्लाइन प्लेन ऑफ थीटा एंगल। क्लियर? सो वो क्या होगा कि स्लाइड होते चले जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो स्लाइड होगा तो वो अगर एक रिजिड बॉडी है, वी नो दैट फॉर रिजिड बॉडी इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सो अगर एक पॉइंट मैं एज्यूम करता हूँ P1 विच इज शोन इन दिस फिगर एंड P2 इज डिफरेंट पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सो बोथ आर रिलेटिव मोशन इज जीरो बिटवीन देम, बट बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। सो दैट द ट्रांसलेशन मोशन, पूरी जो बॉडी है, पूरा ऑब्जेक्ट है, वो नीचे स्लाइड हो रहा है, तो सारे पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से जाने वाले हैं। क्लियर? सो वी कॉल इट एज इट इज प्योर रोटेशनल मोशन, देर इज नो सॉरी इट इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन, देर इज नो रोटेशन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। But if I am taking now one just circle, one ring, अगर एक पहिया ही लगा दूँ, पूरा पहिया लकड़े का बना हुआ है, then what happens? उसकी जो surface है, उसके जो inside points है, सारे points में velocity कुछ different मिलेगी। क्यों? क्योंकि velocity particular यहाँ पर वो सरकने नहीं वाला, वो क्या करेगा, रोल करेगा, रोल करते हुए नीचे जाएगा। रोल करेगा तो उसकी जो सरफेस है उस पर अगर मैं कोई पॉइंट एज्यूम करूँ, जैसे कि फिगर में एज्यूम किया है, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कुछ और डायरेक्शन में होगी। फिर सरफेस के नीचे अगर कोई पॉइंट एज्यूम करूँ तो उसकी डायरेक्शन नीचे है। फिर सेंटर पर अगर पॉइंट एज्यूम करूँ तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ डिफरेंट है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन, दैट मीन्स दी ऑल पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एट दैट पॉइंट। बट अगर वो जो सर्कुलर व्हील है उसके सेंटर की बात की जाए तो सेंटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो सेंटर में ही रहने वाला है। तो सेंटर इज़ मूविंग विथ ओनली ट्रांसलेशन मोशन देयर, वो कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। क्लियर? सो दैट्स दी रोटेशनल मोशन। बट अगर वो सरक भी रहा है और रोल भी कर रहा है, सो दैट मोशन इज रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर? बोथ मोशन इट हैव। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन मूविंग फैन। फैन कैसे मोशन में है? तो वी नो दैट एक पर्टिकुलर एक्सिस है, वो जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग फैन मूव करता है। तो इट इज प्योर रोटेशनल, देर इज नो ट्रांसलेशन मोशन देर। सिमिलरली हम लोगों ने वो घड़ा बनाते हुए देखा, ये मिट्टी का, तो वहाँ पर भी वो एक पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेट होगा और वैसे ही उस सर्कुलर मोशन से वो उसको कर्व देता है। तो ऑलवेज इन रोटेशनल मोशन देर विल बी वन पर्टिकुलर एक्सिस विच इज पिवोटेड, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रांसलेशन मूव नहीं करने वाला। क्लियर? सिमिलरली वी नो अबाउट मैरी गो राउंड इज ऑल्सो रोटेटिंग विथ पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस। सो द एक्सिस इन विच द होल ऑब्जेक्ट इज मूविंग वी कॉल इट एज रोटेशनल एक्सिस। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट लिया, क्लियर, उसकी भी रोटेशनल एक्सिस, जेड एक्सिस यहाँ पर डिनोट किए, वो भी कैसे घूम रहा है, ऐसे सर्क्यूलरली मूव कर रहा है। तो उसके अगर डिफरेंट पॉइंट्स को एज्यूम करें, सपोज के P2 पॉइंट को एज्यूम किया तो वो एक्सिस से थोड़ा दूर है, P1 पॉइंट को एज्यूम किया वो
एक्सिस से थोड़ा उससे नज़दीक है। तो दोनों में डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी, डिफरेंट स्पीड सेम रहेगी बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। सो ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी आर डिफरेंट। बट फॉर मिडल पोर्शन दी पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस वी गेट इन ऑल पॉइंट्स वी हैव ओनली जस्ट दे आर जस्ट मूविंग जस्ट एट दैट प्लेस, दे डोंट चेंज इट्स पोजिशन एट दैट पर्टिकुलर एक्सिस। जितने भी पॉइंट्स वहाँ पे होंगे ना, तो वो पॉइंट अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करेंगे, बट उससे अगर जैसे जैसे दूर आते जाएंगे वैसे सभी पॉइंट्स अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। सो दैट्स दी प्योर एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब बात आती है कुछ डिफरेंट टाइप का रोटेशनल मोशन। नाउ हमने बहुत बार खेला ये स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या करता है कि हम ऐसे जस्ट फेंका तो स्टार्टिंग में वो सर्कुलर मूव करता है एक पर्टिकुलर एक्सिस से, दैट इज़ अवर रोटेशनल एक्सिस। बट थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे 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 वो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही वो पूरा मूव करने लगता है। उसकी रोटेशनल मोशन तो चालू ही है बट वो पूरे एक्सिस से भी सर्कुलर मूव करता रहेगा। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रिसीजन मोशन, क्योंकि उसमें एक्सिस भी पूरी मोशन में आ जाती है, रोटेशनल मोशन में। क्योंकि जो हमारे जो स्पिनिंग टॉप है उसकी जो एक्सिस है वो पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेट रहेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग भी वो मूव करता चला जाएगा। सिमिलरली टेबल फैन में भी वो पर्टिकुलर एक्सिस से, फैन तो घूम ही रहा है बट वो अपनी एक्सिस से भी घूम रहा है। तो दैट इज दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रिसीजनल मोशन। क्लियर? सो उसमें प्रिसीजन में दो दो एक्सिस रहते हैं पर्टिकुलर, दो रोटेशनल एक्सिस होंगे। तो प्रिसीजन को हम लोग इस एक्सिस से याद रखेंगे कि दो एक्सिस होंगे, दो रोटेशनल एक्सिस विल बी देयर। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल इज एक जो चीज़ है वो एग्जैक्टली सीधे सीधी रोटेशनल मूव कर रही है। तो रोटेशनल मूव करेगी तब उसके जो एंगल्स बनेंगे, वेलोसिटी एंगल्स एंड उसका जो रोटेशनल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग दूसरा एक्सिस, दूसरा डायरेक्शन। तो वहाँ पर, यहाँ पर अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री डिनोट किया है। क्लियर? इट इज़ शोन इन दिस फिगर। सो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, बोथ थ्रीज, दिस थ्री एंगल्स आर सेम इन दिस एग्जाम्पल बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ स्ट्रेट जा रहा है। बट इफ दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग सर्क्यूलरली अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल देन दिस अल्फाज आर नॉट सेम बिकॉज दे आर नाउ डिफरेंट। हियर अल्फा विल बी मोर, हियर अल्फा विल बी लेस। क्लियर? अल्फा विल बी मोर लेस, सो अल्फाज आर चेंजिंग हियर। सो दिस इज दी सर्क्यूलर मोशन हियर। वेन एवर, यहाँ पर एक बात चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पिवोटेड है तो देर विल बी ओनली रोटेशनल मोशन, बट अगर वो पिवोटेड नहीं होगी तो वहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है और रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।